नमस्कार, केसरी उजाला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया है। इसका फायदा उठा रहे हैं निजी बस संचालक। सवारियों को सामान की तरह भरकर ले जा रही बसों को देखकर ये नहीं लगता कि देश में कोरोना महामारी का प्रकोप है। वही बसों में भी कोरोना से बचाव के संबंध में कोई खास इंतजाम नहीं दिख रहे। वो बिना परमिट के दूसरे प्रदेशों तक सवारी को ढो रहे हैं। अधिक सवारियां भरकर चल रही बसें न सिर्फ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि नियमों की धज्जियां भी उड़ा रही है। इस और संबंधित विभाग के अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बिना परमिट के दूसरे प्रदेशों तक सवारी ढो रहे हैं। रोजी रोटी के लिए प्रदेश जा रहे श्रमिकों से लग्जरी बसों में सफर के नाम पर मनमाने किराए की वसूली की जाती है। जब से सरकार ने लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया है, तब से गणेशपेट के लग्जरी बस संचालक खूब कमाई कर रहे हैं। गणेशपेट क्षेत्र में अनेकों का निजी बस स्टैंड का अड्डा है, जहां गुडविल ट्रैवल यात्रियों को ढोने के नाम पर संचालक सारे नियमों को दरकिनार करके बसों का संचालन कर रहे हैं। परमिट का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं। ओवरलोड सवारियां भरकर प्रवासी मजदूरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। चौराहों पर सैकड़ों मजदूरों की भीड़ जमा कर कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के नियम कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। बस में जनरल सीट के नाम पर मोटा किराया वो वसूल रहे हैं।